नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस थानों की कमान अब महिलाओं के हाथों में होगी। बिहार में 2467 सरकारी विद्यालयों के भवन का होगा निर्माण। अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी करेगा सिंचाई का काम। अब हैंड हेल्ड डिवाइस से काटा जाएगा चालान। एसीआई ने किया जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान। कार में बैठते ही एसी चालू नहीं करे, हो सकता है नुकसान। ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। झारखंड सचिवालय ने स्टेनोग्राफर के 455 पदों पर निकाली भर्ती। झारखंड सचिवालय में 455 स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी में नियमित और बैकलॉग दोनों तरह के पद हैं। इसका नोटिफिकेशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया है। आवेदन फॉर्म में करेक्शन 7 से 10 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, साथ ही आपको स्टेनोग्राफी में स्किल्ड होना जरूरी है और आपकी आयु सीमा न्यूनतम 21 साल अधिकतम 25 साल के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन स्किल टेस्ट और ऑनलाइन एग्जाम के तहत किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। पुलिस थानों की कमान अब महिलाओं के हाथों में होंगी। बिहार पुलिस के महानिदेशक आरएस भट्टी ने राज्य में महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा किया है कि बिहार के 20% पुलिस थानों की कमान अब महिलाओं के हाथों में होंगी। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस महिलाओं की संख्या बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, मगर इस दिशा में काम हो रहा है। साथ ही बिहार में पहली बार 2 राष्ट्रीय मानक के साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित किए जाने की बात कही। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कवि अनामिका के बारे में। आज ही के दिन वर्ष 17 अगस्त 1961 में अनामिका का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये एक भारतीय कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख कविताओं के नाम टोकरी में दिंगत, अनुष्टुप, दूबधान, खुरदारी हथेलिया, पानी को सब याद है। इन्हें 2020 में उनकी कविता टोकरी में दिंगत, उनकी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये 65 साल के इतिहास में पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला कवि हैं। सीएम ने ली ग्रामीण कार्य विभाग की बैठक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना 1 अड़े मार्ग स्थित संकल में ग्रामीण कार्य की बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कराना ही नहीं है, बल्कि उसका अच्छे से मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क होने से लोगों का आवागमन आसान हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षतिग्रस्त पथों का पुनः निर्माण काम तेजी से कराएं। इसके साथ सीएम ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की शुरुआत फिर से की जाएगी। बिहार में 2467 सरकारी विद्यालयों के भवन का होगा निर्माण। केंद्र सरकार ने सरकारी विद्यालयों में आवश्यक निर्माण कामों के लिए 132.65 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से 2467 सरकारी विद्यालयों के भवन और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। योजना के तहत सितंबर से निर्माण काम शुरू होगा और इसमें प्राथमिकता से अतिरिक्त कक्ष, शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विद्यालयों का चयन करेगी। यदि जिलाधिकारी अनुपस्थित रहे तो उप विकास आयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार इस माह के अंत तक कमेटी की बैठक होगी और निर्माण काम की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक बी कार्तिक धनजी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। अब बिहार में अनाज के रखरखाव की व्यवस्था होगी दुरुस्त।
बिहार में हर साल लाखों टन अनाज जो सही रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में अनाज बर्बाद न हो इसके लिए बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच राज्य के सहकारिता मंत्री ने बताया कि बिहार में किसानों के अनाज के भंडार को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी उसको देखते हुए सहकारिता विभाग ने सभी जिलों में गोदाम बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में गोदाम बनाने के लिए सरकार ने 100 करोड़ 21 लाख रुपए पैक्स को जारी किए हैं। 6 महीने के अंदर ये गोदाम बनकर तैयार हो जाएंगे। सेटिंग्स में इस बदलाव से व्हाट्सएप नोटिफिकेशन स्क्रीन पर नहीं होगा फ्लैश। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप मैसेज का जो नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश होता है वे ना हो, इसके लिए आप व्हाट्सएप का एक खास फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ आप ऐप्स में जाएंगे और ऐप्स के ऑप्शन में आपको व्हाट्सएप दिख जाएगा। इसे क्लिक करें, उसके बाद नोटिफिकेशन पर जाएं, फिर यहाँ 3 आइकन आपको दिख जाएंगे, इन सभी को आप डिसेबल कर दें। ऐसा करने के बाद जब व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो फ़ोन में वाइब्रेशन या साउंड तो होगा लेकिन नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। गंगा का जलस्तर घटा, कई जगहों पर खतरे के निशान पर। पिछले कई दिनों से गंगा नदी पटना के अधिकांश स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी लेकिन अब इसके जलस्तर में कमी आने लगी है। वहीं कई इलाकों में जैसे भागलपुर के कहलगांव में अभी गंगा लाल निशान के ऊपर है। वहीं उत्तर बिहार में कोसी, गंडक और बागमती सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बता दें कि केंद्रीय जल आयोग और बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर दीघा घाट में अब खतरे के निशान से नीचे पहुँच गया है। हालांकि गांधी घाट और हाथी दह में अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। कार में बैठते ही एसी चालू नहीं करें, हो सकता है नुकसान। गर्मी के मौसम में अगर आप कार में घुसते ही तुरंत एसी चालू कर देते हैं तो फिर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि धूप में खड़ी कार का जो टेम्परेचर होता है वे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। बता दें कि कार में बैठते ही तुरंत एसी चलाने से एसी के वेंट में धूल जमा होती है तो ये धूल हवा के सहारे नाक में जाएगी जिससे छींक आने लगेगी और एलर्जी हो सकती है। इसके साथ ही कार के अंदर की चीज़ें प्लास्टिक और फाइबर की होती हैं। कार में एसी से बेंजीन गैस भी निकलती है जो नुकसानदेह हो सकती है। कार काफी देर तक धूप में खड़ी हो तो पहले कार को स्टार्ट करने से पहले उसके पूरे शीशे को खोल दें, फिर कार स्टार्ट करें, फिर थोड़ी देर बाद एसी चालू करें। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बिहार के गोपालगंज के बारे में। गोपालगंज बिहार का एक जिला है जिसका मुख्यालय गोपालगंज नगर में है। यह जिला सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक शुद्धता की समृद्ध झलक अपने आकर्षक ऐतिहासिक स्थलों, शांत प्राकृतिक परिवेश और गहरे आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई ऐसे जगहें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। इसमें रामजयपाल का किला जो एक ऐतिहासिक किला है जो अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए जाना जाता है। गोपेश्वर मंदिर, गौतम कुंड, बैकुंठपुर पक्षी अभयारण्य, कल्याण देवी मंदिर, जानकी मंदिर, थावे, श्री दुर्गा मंदिर, सिद्धवली आदि शामिल है। आप चाहे तो इन जगहों को गोपालगंज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हैंड हेल्ड डिवाइस से काटा जाएगा चालान। बालू और स्टोन चिप के अवैध परिवहन से समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। बिहार सरकार ने अवैध खनन से निपटने के लिए एक और प्लान तैयार कर लिया है। अब अवैध लघु खनिज परिवहन में पकड़े जाने पर हैंड हेल्ड डिवाइस से ऑन स्पॉट जुर्माना काटा जाएगा। बता दें ये डिवाइस जो है खनन पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। इसके लिए निजी बैंकों से बात चल रही है। एक जिले को कम से कम दर्जन भर हैंड हेल्ड डिवाइस देने की सरकार की योजना है। तो ऐसे में अगर आप बालू, स्टोन, चिप, लघु खनिज का अवैध परिवहन या ओवरलोड परिवहन करते हैं तो सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले SEZ को दी मंजूरी। बिहार के पहले मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से औपचारिक मंजूरी दे दी गई है।
बिहार के ये पहले एसईजेड बिहार में पश्चिम चंपारण की कुमारबाग और बक्सर के नावानगर में बनाए जाएंगे। इस बात का निर्णय वाणिज्य मंत्रालय भवन में हुई बोर्ड ऑफ अप्रूवल की बैठक के दौरान लिया गया। इसकी जानकारी बिहार सरकार को पत्र के जरिए 9 अगस्त को दी गई है। इसकी जानकारी खुद उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी करेगा सिंचाई का काम। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अब एक नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आगामी समय में इस विभाग को हर खेत सिंचाई का पानी योजना के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस साल 99 नई योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अब इस विभाग को सौंपी गई है और इन योजनाओं को अगले वर्ष मार्च तक पूरा करना होगा। पूरा होने के बाद 2334 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना होगा। बता दें, पहले इस योजना का कार्यान्वयन 4 विभाग, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग मिलकर कर रहे थे। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी इसमें शामिल किया गया है। पितृपक्ष मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। इस साल पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसको लेकर आज गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने पितृपक्ष मेला की तैयारियों का जायजा। उन्होंने सीताकुंड, सीतापत, घुघड़ी, ताड़पुल के समीप नए अप्रोच पाथवे, श्मशान घाट, गयाजी डैम, देवघाट और गजाधर घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नगर निगम के अभियंताओं को टूटे हुए टाइल्स की मरम्मत, सीताकुंड से गयाजी डैम तक रोशनी की व्यवस्था, सीताकुंड में पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की साफ सफाई और चेंजिंग रूम की तैयारी, फल्गु नदी के तटीय क्षेत्रों में पानी के तेज बहाव के मद्देनजर सुरक्षा उपाय को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए। बिहार में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बारिश के पूर्वानुमान जारी किए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जिसके चलते शनिवार को राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं शनिवार को राज्य में तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 8 साल से शराब तस्करी में लिप्त अधिकारी की होगी गिरफ्तारी। बक्सर के उत्पाद अधीक्षक ही शराब तस्करों के मसीहा बन गए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। भगौड़े उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस मामले पर एसपी मनीष कुमार ने कहा कि उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक पर केस दर्ज किया गया है। उन पर शराब कारोबारियों के साथ साठ गांठ कर यूपी की सीमा से बिहार के बक्सर के रास्ते अलग अलग जिलों में मोटी रकम लेकर शराब की सप्लाई कराने का आरोप लगा है। फिलहाल वे फरार चल रहे हैं, जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोलकाता की घटना को लेकर पटना में निकाला गया कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की घटना को लेकर आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में पटना में शुक्रवार को विभिन्न संगठनों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। एक तरफ डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं और एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। कोलकाता की घटना पर विरोध जताते हुए आयुष डॉक्टरों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की, साथ ही सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की है। तेजस्वी ने बाढ़ प्रभावित लोगों का जाना हालचाल। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को भी जाना। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री थके हुए हैं, उनसे बिहार और गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है क्योंकि अपराधियों के अंदर से डर खत्म हो गया है। वही अनंत सिंह का बिना नाम लिए तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि ना किसी को बचाते हैं और ना ही फंसाते हैं, चुनाव में जिसकी जरूरत पड़ती है उसको जेल से बाहर निकलवा लेते हैं और फिर अंदर डाल देते हैं। अशोक चौधरी ने मुकेश सहनी से मुलाकात का किया खुलासा।
मुकेश सहनी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की मुलाकात को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही थी। साथ में मुकेश सहनी के पाला बदलने के कयास भी लगाए जा रहे थे। इसी बीच शुक्रवार को बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी से मुलाकात की वजह बताई। उन्होंने कहा कि वे मुकेश सहनी से मुलाकात करने गए थे क्योंकि वे उनके पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में नहीं जा पाए थे। इस दौरान ये भी स्पष्ट कर दिया कि राजनीति को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। वही भविष्य में मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होने वाला है इसको लेकर हम अभी बयान नहीं दे सकते हैं। वही मुकेश सहनी के आरक्षण को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि ये उनकी राजनीति है। बिहार उपचुनाव में कैंडिडेट उतारेगा जनसुराज। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। बता दें कि पीके अपने जनसुराज संगठन को राजनीतिक दल में बदलने वाले हैं। उनकी नई पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 2 अक्टूबर के बाद उपचुनाव हुए तो जनसुराज के टिकट पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वही अगर इससे पहले उपचुनाव हुए तो निर्दलीय प्रत्याशी उतारकर उन्हें समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव लड़ेंगे तो बेलागंज और इमामगंज दोनों जगह प्रत्याशी उतारे जाएंगे। अगर नहीं लड़ेंगे तो कहीं पर भी कैंडिडेट नहीं उतरेगा। एसीआई ने किया जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आयोग उत्तर प्रदेश और बिहार विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में चुनाव हुए थे। बता दें चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। ईशान किशन के बल्ले ने उगली आग। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे ईशान किशन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनका खेल और भी दमदार है। हाल ही में ईशान किशन ने झारखंड के लिए बोची बाबू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश के खिलाफ एक तूफानी शतक लगाया। ईशान किशन जो कि भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, उन्होंने 26 साल की उम्र में इस मैच में अपनी ताकत और कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 86 गेंदों में 100 रन बनाते हुए 9 छक्के और 6 चौके लगाए। किशन की इस जबरदस्त पारी की मदद से झारखंड ने पहली पारी में मध्य प्रदेश के खिलाफ बढ़त हासिल की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 2009 में आंतरिक सुरक्षा के मामले पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों का एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आज ही के दिन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हुई। आज ही के दिन 1941 में भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर वाई वी रेड्डी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1949 में महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का निधन हुआ था। आज ही के दिन भारतीय रिजर्व बैंक के 20वें गवर्नर बिमल जालान का जन्म 1941 को हुआ था। आज ही के दिन महान देशभक्त क्रांतिकारी मदन लाल ढिंगरा का निधन 1909 को हुआ था। आज ही के दिन 1982 में प्रसिद्ध साहित्यकार फादर कामिल बुल्के का निधन हुआ था। सेंसेक्स 1300 और निफ्टी 400 उछला। कारोबार में निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी बढ़त दर्ज की गई है। सभी सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली। बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 1330 अंक या 1.68% बढ़त के साथ 80,436 के लेवल पर बंद हुआ जबकि एनएसई निफ्टी 397 अंक या 1.65% बढ़कर 24,541 के लेवल पर क्लोज हुआ। वही कारोबार की शुरुआत निफ्टी में 191 अंकों की बढ़त के साथ 24,335 लेवल पर हुई थी जबकि सेंसेक्स में 649 अंकों की बढ़त के साथ 79,755 के लेवल पर हुई थी। देश को मिला नया ऑपरेशनल रॉकेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV-D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की है। इस लॉन्च के साथ ही नया अर्थ
ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस 8 को कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट एसआरओ डेमोसैट भी इस मिशन के साथ लॉन्च किया गया। दोनों ही सैटेलाइट्स को धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार ऑर्बिट में सफलतापूर्वक तैनात कर दिया गया है। इस सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने खुशी जताया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 10 अगस्त, ऑप्शन बी है 12 अगस्त, ऑप्शन सी है 11 अगस्त और ऑप्शन डी है 13 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहा बहमयोनी पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है सीतापुर, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा गया। भारतीय क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है ब्रेटली, ऑप्शन बी है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन सी है मार्ने मार्केल और ऑप्शन डी है जहीर खान। इसका सही आंसर होगा मार्ने मार्केल। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए है हाजीपुर, ऑप्शन बी है सोनपुर, ऑप्शन सी है बख्तियारपुर और ऑप्शन डी है समस्तीपुर। इसका सही आंसर होगा सोनपुर। बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी है श्री कृष्ण सिंह। इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है कस्तूरी शर्मा, विकास दास, मुन्ना प्रसाद, राजीव कुमार, राज किशोर महतो, रवि कुमार राम, विनय कुमार, उमेश ऋषिदेव, वरुण कुमार, गुनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में मौसम का हालचाल क्या है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज से हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।